प्रदेश में कोरोना के कारण बंद पड़े शासकीय और निजी विद्यालय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दोबारा शुरू हो चुके हैं। सीहोर जिले के बिल्किसगंज में करीब 6 माह से बंद पड़ा शासकीय विद्यालय भी दोबारा शुरू हो चुका है। इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। पहले तो हमने बच्चों के लिए पालकों को एक नोटिस जारी किया कि वो घोषणा पत्र जारी किया कि पालकों से अपने परमिशन लेके आए, वो उस पर लिखवा के लेके आए कि मेरे बच्चों को मेरे घर में किसी को बुखार तो नहीं हो रहा, सर्दी जुकाम तो नहीं हो रहा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी सर्दी जुकाम वगैरह नहीं है। इस तरह से उनसे घोषणा पत्र हमने आदित्य बच्चों से लिखवा लिया। और हमने ऐसे हर क्लास को नहीं बुलाया, जैसे आज केवल 9th के बच्चे आए हैं और एक 11th कॉमर्स के बच्चे आए हैं। हाँ, हमने टीचर को भी अल्टरनेटेड बुलाया है, ऐसे बारी बारी जिनका विषय है वही पढ़ाने आएंगे। और ऐसे आज केवल 9th के आए हैं और 11th कॉमर्स के आए हैं, कल दूसरे टीचर आएंगे, दूसरे क्लास के बच्चे आएंगे, ऐसे बारी बारी से आएंगे। बिल्किसगंज से EMS TV के लिए आकाश बैरागी की रिपोर्ट।